हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का ये पार्ट 19 है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून जनपद में, इसकी स्थापना 1767 में कलकत्ता में होती है। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसका मुख्यालय देहरादून में स्थापित कर दिया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1854 में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है मसूरी देहरादून में, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 में हुई थी। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है नैनीताल जनपद में। राजकीय वेधशाला 1955 से स्थित है नैनीताल जनपद में, इसकी स्थापना 1956 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। 1955 में इसे नैनीताल के शेर का डंडा पहाड़ी पर स्थापित कर दिया जाता है, और 1961 में इसे नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थापित कर दिया जाता है। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है मुक्तेश्वर नैनीताल में, इसकी स्थापना 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की जाती है। उस समय इसका नाम इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था। 1925 में इसका नाम इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च हो गया, और आज़ादी के बाद इसका नाम भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान हो गया। इसे भारत में पशु चिकित्सा का मक्का कहा जाता है, और 1924 में एड वर्डर्स के द्वारा रिंडरपेस्ट रोग के टीके की खोज यहाँ की जाती है। देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है भू विज्ञान से। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया मार्च 2001 में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की देहरादून में स्थापना की गई थी 1906 में। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है देहरादून जनपद में। IIM की स्थापना की गई है काशीपुर उधम सिंह नगर में, इसकी स्थापना 2011 में की गई। राजकीय डिजाइन केंद्र स्थित है काशीपुर उधम सिंह नगर में। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में यह सुमेलित है, और इसकी स्थापना 2021 में हुई है। हिमालय संग्रहालय नैनीताल में, और इसकी स्थापना 1987 में हुई है, यह भी सुमेलित है। लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल खुटानी नैनीताल में, इसकी स्थापना 1983 में यशोधर मठपाल के द्वारा की जाती है, यह भी सुमेलित है। मोला राम संग्रहालय टिहरी में, यह सुमेलित नहीं है। मोला राम संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है देहरादून जनपद में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में। ITBT की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई है? हल्द्वानी नैनीताल में। अभी हाल ही में राज्य के किस जिले में हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? टिहरी जनपद में। रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई है? अल्मोड़ा जनपद में। निम्न में से कौन देहरादून में नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी यह भी देहरादून में, इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर यह रुड़की हरिद्वार में, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह देहरादून में नहीं है। जबकि भारतीय वन्य जीव संस्थान यह भी देहरादून में है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज की स्थापना की गई है नैनीताल जनपद में। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? भवाली नैनीताल में।
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में होती है। कुमाऊं का पहला 6 रोगाश्रम स्थापित है भवाली नैनीताल में और इसकी स्थापना 1912 में होती है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून जनपद में। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सिमेप की स्थापना की गई है पंतनगर उधम सिंह नगर में और यह बैजनाथ बागेश्वर जनपद में भी है। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र स्थित है देहरादून जनपद में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है अल्मोड़ा जनपद में। इसकी स्थापना 1924 में बोसी सैन के द्वारा कलकत्ता में की जाती है। 1936 में इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है मसूरी देहरादून में और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 में होती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री एपी नवानी। इसकी स्थापना मार्च 2001 में होती है और इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। वाड़िया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है देहरादून जनपद में। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में। भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में। निम्न में कौन सा ऐसे संस्थान देहरादून में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी यह भी देहरादून में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में और इसकी स्थापना 2009 में होती है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है काशीपुर उधम सिंह नगर में और इसकी स्थापना 2011 में होती है। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? खुटानी भीमताल नैनीताल में और इसकी स्थापना 1983 में यशोधर मठपाल के द्वारा की जाती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है गोपेश्वर चमोली में। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है ऋषिकेश में। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कालागढ़ में। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है अल्मोड़ा जनपद में ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसकी स्थापना 12 फरवरी 2004 में होती है लेकिन वर्तमान में यह गैरसैंण चमोली में है। फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? भीमताल नैनीताल में। भीमताल नैनीताल में ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फ्रेडरिक स्मेटा को बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड को। इन्होंने 1893 में इसकी स्थापना मुक्तेश्वर नैनीताल में की थी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 में। किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? 1942 में और इसकी स्थापना 1767 कलकत्ता बंगाल में होती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई? कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम दोनों की स्थापना 1976 में होती है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में और इसकी स्थापना 1940 में होती है। 1767 ईस्वी में बंगाल में स्थापित सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में
कब स्थानांतरित किया गया था? 1942 में। हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। इन्होंने इसकी स्थापना के प्रयास 1979 से कर दिए थे, लेकिन यह 1983 में जाकर पंजीकृत हुआ था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है खुटानी नैनीताल में, और इसकी स्थापना 1983 में यशोधर मठपाल ने की थी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है 1906 में देहरादून जनपद में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एक डोपलर वेदर रडार की स्थापना की गई है मुक्तेश्वर नैनीताल में। निम्न में से कौन प्रतिष्ठान उत्तराखंड में नहीं है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यह बेंगलोर कर्नाटक में। CBRI यह रुड़की में। ONGC यह देहरादून में। BHEL यह हरिद्वार में है। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा में, और इसकी स्थापना 1979 में होती है। उत्तराखंड की जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान स्थित है गोपेश्वर चमोली में, और इसकी स्थापना 1989 में होती है, और इसकी दो शाखा 2020 में उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ में स्थापित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में, पहला ही ऑप्शन सही है, यह सुमेलित है। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान पिथौरागढ़, यह सुमेलित नहीं है, यह अल्मोड़ा जनपद में, और इसकी स्थापना 1924 में होती है, और 1936 में यह अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया जाता है, और इसकी स्थापना बोसी सैन ने की थी। भारतीय सैन्य अकादमी यह देहरादून में है, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 में हुई थी। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर यह श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। हिमालयन मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया सोनी रानीखेत में, इसकी स्थापना अगस्त 2022 में हुई है, और यह भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान है। वन अनुसंधान केंद्र में 2020 में पोलिनेटर या परागकण पार्क की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। IDPL ऋषिकेश यह सुमेलित है। BHEL हरिद्वार यह भी सुमेलित है। BEL उत्तरकाशी यह सुमेलित नहीं है। BEL यह कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। IVRI यह मुक्तेश्वर नैनीताल में, यह भी सुमेलित है। MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई है? सिडकुल सितारगंज में। हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की थी? गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 में। हरगोविंद पंत को इनका उपनाम लोकनायक है, और इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? बलभद्र सिंह नेगी को। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 25 जून 1967 में रामनगर सम्मेलन में। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।